हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूं गाइस। तो आज का जो शिफ्ट है ये हम आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। आपके पर्सन की यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं सिक्स ऑफ वाटर की। तो हम जो डिस्कशन कर ही रहे थे गाइस कि आपके जो पर्सन हैं, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नीज में बने हुए हो, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें जो आपकी पास्ट लाइफ से आइदर रिलेटेड हैं या फिर कुछ ऐसे सपने यहाँ पर लिटरल सपने हो सकते हैं गाइस। अगर आपके पर्सन आपको लिटरली सपनों में देख रहे हैं या फिर पास्ट लाइफ के कुछ ऐसी बातें अगर ये याद कर पा रहे हैं तो मे बी दे आर रिकॉग्नाइजिंग यू। और ज़रूरी नहीं कि पास्ट लाइफ ही हो, इसी लाइफ में अगर पास्ट इवेंट्स रहे हैं तो वहाँ की कुछ ऐसी बातें जो कि बोलते हैं ना खट्टी मीठी यादें, तो ऐसी कुछ यादों को ये याद कर रहे हैं। यहाँ पर एक जो शिफ्ट आया है आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ों के लिए पुश कर रहा है। एक मौसम, एक समा इनके लिए ऐसा बन गया है कि बहुत सारी बातों को इवेंट बाय इवेंट याद कर रहे हैं, बातचीत या कन्वर्जेशंस को याद कर रहे हैं। इवन आपसे जुड़ी हुई हर एक एक बात, अगर आपका और इनका कोई म्यूचुअल टैलेंट रहा है, हॉबी रही है, जैसे कि बहुत सारे लोग लिखते हैं, बहुत सारे लोग सिंगिंग करते हैं, म्यूजिक से कनेक्टेड रहते हैं, तो इवन अगर आपने ऐसा भी बॉन्ड शेयर किया है जहाँ पर आपने एक दूसरे की क्रिएटिविटी एक दूसरे के साथ शेयर की थी, तो अगर ये ऐसी चीज़ों से मतलब गुजर रहे हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें अगर इनके नज़रों के सामने आ रही हैं, तो वो जो एक याद है जिसमें दर्द होता है, जिसमें एक इमोशनल चीज़ होती है, ऐसी यादों में आपके पर्सन अभी बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं। और इवन मैं ड्रीम्स भी कह सकती हूँ, ड्रीम्स भी ये देख रहे होंगे। अगर आप इनके ड्रीम्स में लिटरली गए हो तो ये शायद इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक पेन में है कि कितना अच्छा वो मौसम था, कितना अच्छा वो टाइम था जब ये आपके साथ थे। अगर आप दोनों अभी राइट नाउ एक सेपरेशन में हो तो वो ब्यूटीफुल लम्हे आपके पर्सन सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, और इसी वजह से ये आपके साथ हो सकता है एक कनेक्ट महसूस कर रहे होंगे सबकॉन्शियस लेवल पर। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। ऑन दी अदर हैंड आप लोग यहाँ पर द एम्प्रेस वाली एनर्जीज में हो, तो हो ना हो आप भी अपने अंदर एक हीलिंग लेकर आना चाहते हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हो, खुद की वर्थ को समझना चाहते हो कि आप वो पर्सनालिटी हो जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यू कैन कॉन्कर दिस वर्ल्ड, और आपके अंदर इतने ज़्यादा टैलेंट्स हैं, यू हैव गॉट दैट क्रिएटिविटी विद इन यू। और क्रिएटिविटी के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग भी होंगे, तो आपको वैसे भी अपने आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि मैं ऐसी पर्सनालिटी हूँ जो अपनी ब्यूटी के साथ, अपने टैलेंट्स के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ वो सारी चीज़ें हासिल कर सकती हूँ जिसके लिए मैं डिज़ायर करती हूँ। तो शायद आज आप अपने ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, आप खुद को बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहे हो, मैं ये कह सकती हूँ। तो आज का ये शिफ्ट आप लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा नर्चरिंग महसूस कर रहे हो, आप अपना ख्याल रखना चाहते हो, अपने लिए केयर करना चाहते हो। अगर आपने मोस्ट ऑफ द टाइम खुद को स्ट्रेस्ड आउट रखा था, खुद को अगर पेन दिया था, बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक रहे हो आप, तो आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए भी कुछ टाइम अलोन बनता है और आप अपना टेक केयर करना चाहते हो, अपने आप पर ध्यान देना चाहते हो। ख़ास करके ब्यूटी टिप्स को शायद आप बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होंगे गाइस, क्योंकि कुछ अचीव करना है आपको, मतलब एक मिशन पर हो आप, एक प्रोजेक्ट पर हो जहाँ पर
आपकी हेल्थ भी मैटर करती है, आपकी क्रिएटिविटी भी मैटर करती है, बहुत सारी अदर चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो वो एक मैनेजमेंट जिसको कहते हैं हम, टाइम मैनेजमेंट हो गया, रूटीन मैनेजमेंट हो गया, इवन अपनी बॉडी को भी आप मैनेज कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑर्गेनाइज्ड वेज में लेकर बढ़ना चाहते हो, क्योंकि गोल्स आपके ऐसे हैं जिसको आप परस्यू कर रहे हो, अचीव करना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, और लाइक वर्ल्ड को आप प्रूव करना चाहते हो कि आप क्या हो, आप क्या पर्सनालिटी हो। और ये इन सारी एनर्जीज़ के चलते शायद आप अपने अगर पर्सन के बारे में भी सोच रहे हो, यानी कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में भी सोच रहे हो, तो यस आप इनके लिए भी नर्चरिंग महसूस कर रहे होंगे कि इनके अंदर वो साइड आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर ये शायद आपको एक तरह से इमेच्योर साउंड कर रहे होंगे या फिर शो हो रहे होंगे, यू नो इनकी वो मासूमियत या एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर जहाँ पर अगर ये नादान आपको दिखे थे या फिर अगर आपको ये इमेच्योर लगते हैं, फाइन, तो यस आप उस सेंस में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नर्चर करना चाहते हो। तो याद आप भी नहीं कर रहे हो, आप भी इनके लिए वो एक इक्वल केयर रखते हो, क्योंकि जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ के चलते वो एक फ्लो तो बन ही रहा है, यू नो यूनिवर्सल लेवल पर आप इनके बारे में सोच रहे हो तो वो एक एनर्जी फ्लो तो बन ही रहा है। तो शायद जब भी ऐसी वाइब आप महसूस कर रहे होंगे तो आप इस पर्सन के बारे में हो सकता है वही टाइम याद कर रहे होंगे जो ये भी याद कर रहे हैं। और जब भी वो टाइम आप याद कर रहे हो तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये पर्सन तो कितने नादान थे, ये तो समझते ही नहीं थे, और इस तरह के बिहेवियर्स के चलते एक बोलते हैं ना क्यूट तरह का बिहेव करना, तो वो वैसी क्यूट बातें शायद इनकी आपको याद आ रही होंगी, और यही वजह है कि आप इनके लिए वो इमेंस वेज में वो एक लव एंड नर्चर महसूस कर रहे हो कि ये आपको क्यूट लग रहे हैं, यू नो। तो इस तरह की एनर्जीज में आप बने हुए हो गाइस, तो इवेंचुअली इट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स पेज ऑफ फायर। तो यहाँ पर एक मैसेज या जेस्चर कुछ ऐसा आप लोग रिसीव करने वाले हो या फिर आप भेजने वाले हो अपने पर्सन की तरफ कि वहाँ से एक क्लैरिटी इनको भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी, मतलब यादों के चलते आइदर आपके पर्सन आपकी तरफ कोई जेस्चर दे बैठेंगे, बता देंगे कि ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, एंड लाइकवाइज आप भी जब इनके बारे में कुछ पास्ट की बातें याद कर रहे हो जहाँ पर ये आपको क्यूट लग रहे हैं तो आप भी इन्हें कुछ याद दिलाना चाहते हो, कुछ इशारा आप भी देना चाहते होंगे। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर बिगिन हो सकता है बहुत लोगों के लिए, इमोशनल करके एक अटैचमेंट महसूस करवा के कि यस यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर, भले ही किसी भी फॉर्म में आप इस यू नो पार्टनरशिप को या यूनियनशिप को आप आगे लेकर जाना चाहते हो, जिस भी फॉर्म में लेकर जाना चाहते हो, तो आपको एक यू नो एक होना पड़ेगा, एंड एक पर्टिकुलर से जर्नी पर आप बने हुए हो तो वहाँ पर आपको डेस्टिनेशन तक रीच होने के लिए साथ साथ चलना पड़ेगा। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड हो रही हैं गाइस। इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, स्ट्रेंथ 4 of Pentacles, द स्टार 6 of Wands, 10 of Pentacles एंड 9 of Wands। तो यहाँ पर आपके पर्सन एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में तो बने ही हुए हैं, और साथ ही साथ अपना एक वो कहते हैं ना वल्नरेबल साइड ये शायद कंट्रोल भी कर पा रहे होंगे, मतलब रोक रहे हैं खुद को और अपने प्रैक्टिकल लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे होंगे। जब भी इनको आपकी याद आ रही है तो ये इम्बैलेंस तो हो ही जाते हैं वैसे तो, और एक इनको मोटिवेशन इस तरह से मिल रही है कि इस कनेक्शन पर ये दोबारा से एक ट्राई दें, यहाँ से गिव अप ना करें। यादें इतनी ब्यूटीफुल होंगी ना आप दोनों के बीच में, वो यादें इनको एक तरह से इंस्पायर कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं टू जस्ट कम फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू। अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो गाइस, तो हो सकता है ये वहाँ पर आपको कोई इशारा देना चाहते हैं,
एटलीस्ट कोई रीच आउट रखना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं, एडमायर करना चाहते हैं आपको कि आप इनके लिए क्या हो, आप वैसे भी क्या हो, ये आपको दिखाना चाहते हैं। आप इनके लिए एक ट्रेजर हो और आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी जिसे ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, और छुप छुप के ये आपको शायद उस चीज़ के लिए सराहाते हैं गाइस। तो आपके पर्सन यहाँ पर कुछ तो ऐसा कोई मूव रखना चाहते हैं जहाँ पर एटलीस्ट ये आपको ये बता सकें कि आपके बारे में ये राइट नाउ किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं। इनके अंदर एक नई डिज़ायर ज़रूर बिल्टअप होगी टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन अगेन, और ये खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते और ये सीरियसली सोच रहे हैं आपके बारे में कुछ कि जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर एक सेपरेशन है तो इस सेपरेशन के चलते ये सोच रहे होंगे कि मैंने क्या खो दिया है और इसको वापस पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो अलॉन्ग दोज लाइन्स आपके पर्सन एक वॉरियर बने हुए हैं, यहाँ पर फाइट करना चाहते हैं दोबारा से। ऑब्स्टिकल्स होंगे यहाँ पर, 100% ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर, और उन ऑब्स्टिकल्स को कैसे कॉन्कर किया जाए टू अचीव दिस 10 of Pentacles विद यू, ये कमिटमेंट भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। अगर कमिटमेंट अचीव करना चाहते हैं आपके पर्सन का मेन यहाँ पर मोटिव कमिटमेंट को लेकर ही है, प्रॉब्लम ही कमिटमेंट को लेकर है, तो ये इस कमिटमेंट को आपकी तरफ प्रेजेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं शायद ये सोच रहे हैं। इन सारी चीज़ों को शायद ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइट तो इन्हें करना है और शायद खुद को प्रिपेयर कर रहे होंगे कि उस फाइट को ये कैसे रखें एंड इनको इवेंचुअली यहाँ पर सक्सेस प्राप्त करनी है गाइस विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज। तो यूनिवर्स की तरफ भी ये एक शायद अपनी विश प्रेजेंट कर रहे होंगे कि यूनिवर्स इनकी मदद कर दे, क्योंकि ये तो आपको चाहते हैं और इनकी लाइफ के जितने भी ट्रॉमाज हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको भी ये कॉन्कर करना चाहते हैं। तो अब इनके पास स्ट्रेट रास्ता नहीं होगा तो इन्हें आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स की मदद लगेगी, तो शायद इसी वजह से ये यूनिवर्स से हेल्प सीक कर रहे होंगे गाइस। ऑलराइट, तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं? तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस, 2 of Wands, 4 of Cups, Page of Swords, 5 of Wands, King of Pentacles, the World and 6 of Pentacles। तो गाइस ऐसी कोई बात जरूर होगी जो आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, भले इस पर्सन को लेकर हो या किसी और ही बात को लेकर हो। शायद आप एक इंटरनल फाइट में बने हुए हो, अपनी इनर फाइट, ये स्ट्रगल हो सकता है आपका, किसी बात के लिए आप लड़ रहे हो आइदर खुद से या फिर लिटरली कोई लोग होंगे यहाँ पर, एक कॉम्पिटिशन आप देखते हो। अगर इस पर्सन के लाइफ में और भी लोग हैं तो वो कॉम्पिटिशन आप शायद कॉन्कर करना चाहते हो, इसीलिए आप खुद पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो। एम्प्रेस की एनर्जीज हमने जो देखी थी वो यही कह रही थी आपसे कि शायद आप अपने क्रिएटिव और टैलेंट्स पर इसलिए ध्यान देना चाहते हो ताकि वो एक कॉम्पिटिशन आप कट कर सको। इनके लाइफ में अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनका अटेंशन बहुत ज़्यादा ग्रैब करते हैं तो आप वो सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हो, जबकि अगर इनकी एनर्जीज हम देख रहे हैं तो आप ही सेंटर ऑफ द अटेंशन हो, लेकिन फिर भी आपको एक तरह की इनसिक्योरिटी होगी। आप अपने ही बहुत ज़्यादा थॉट्स में इस तरह से इंडल्ज्ड हो कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पर्सन आप में से अपना इंटरेस्ट ख़त्म कर देंगे, तो इसलिए आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट रखना पड़ेगा, इसलिए शायद आप एक प्लानिंग में बने हुए हो, कुछ करना चाहते हो, लड़ना चाहते हो इस कनेक्शन के लिए, खोना नहीं चाहते इस पर्सन को, और इसीलिए आप अपने ड्रीम्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि आप अपने ड्रीम्स तक अगर रीच होना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या अपने लिए एक बेटरमेंट लेकर आना पड़ेगा आपको, ये सारी चीज़ें आप शायद सोच रहे होंगे गाइस। तो ये आपकी कॉन्टम्पलेशन है और ड्रीम्स को कैसे एक रियलिटी में बदला जाए इस चीज़ के लिए आप एक कोशिश ज़रूर रखना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए ये रास्ता, लेकिन जब आप जीतना चाहते हो, आपने ठान लिया है कि मैं जीत कर यहाँ पर दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, तो शायद इस वजह से आप खुद पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे।
आप अपने टैलेंट्स को बहुत ज़्यादा उजागर करना चाहते हो, क्रिएटिविटी लेकर आना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, साबित करके दिखाना चाहते हो कि आप क्या हो, तो ये आपकी एनर्जीज हैं। अब देखते हैं कि वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द एम्परर, द सन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यस गाइज, जो कोशिश करता है उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज स्माइलिंग एट यू इवेंचुअली। यहाँ पर द सन वाली भी एनर्जीज हैं, तो ऑफकोर्स आपको यूनिवर्स मौका ज़रूर देगा यहाँ पर टू प्रूव योर सेल्फ। अगर आप प्रूव ही करना चाहते हो, किसी के सामने दिखा देना चाहते हो कि आप क्या हो, तो वो मौका आपको ज़रूर मिलेगा। आप फुल फोर्स से यहाँ पर अपनी आइदर बात रख सकते हो। अगर एक्शन लेने की बात है यहाँ पर, आप कोई एक एक्शन अगर होल्ड कर रहे हो गाइस, मतलब अपने इनर स्ट्रगल की वजह से, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स इज़ विथ यू, और आप जब एक्शन लेंगे तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है, अगर आप लोग एक्शन होल्ड कर रहे हो तो। या फिर अगर आप खुद को प्रूव करना चाहते हो किन्हीं लोगों के सामने, या फिर आप अपनी वर्थ एंड वैल्यू दिखाना चाहते हो कि आप क्या हो, आप कितने डेडिकेटेड एंड फोकस्ड हो, तो ऑफ कोर्स इस चीज़ के लिए भी यूनिवर्स आपको एक मौका ज़रूर देना चाहता है गाइस, ताकि आप इवेंचुअली वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको जो जिसके लिए आप यू नो डिज़ायर करते हो, आप डिज़र्व भी करते हो, ऐसी चीज़ों को आप इवेंचुअली अट्रैक्ट कर सकें। और अगर इन्हीं एनर्जीज को आपके पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो यस, इनको भी यूनिवर्स एक मौका ज़रूर देगा कि ये अपने बहुत ही ज़्यादा यू नो गार्डेड अप वाली पोजीशन से खुद को आज़ाद कर सकें। यानी कि एक्चुअल में दे आर किंग ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन होंगे, खुद को बहुत ज़्यादा कोल्ड ये दिखाते होंगे आपके सामने, और अब ये अपने पैशन को छुपा नहीं पाएंगे गाइस, क्योंकि ये आपके लिए पैशनेट हैं, आपके लिए इमोशनल हैं, आपके लिए केयरिंग हैं, लेकिन दिखाते ऐसे होंगे कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर लें, इन्हें शायद किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये ऐसा शो करते थे तो ऐसा भी ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पर्सन इवेंचुअली अपनी वो एक वल्नरेबिलिटी या फिर अपना वो इमोशनल साइड आपको शो करने वाले हैं, क्योंकि पैशन इतना है इनके अंदर आपको लेकर। ये ऑप्टिमिस्टिक बन जाएंगे अगर इनको इनको भी रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं गाइस, तो ये उन सारे रेड फ्लैग्स को हो सकता है कॉन्कर कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि रेड फ्लैग्स अगर हैं भी यहाँ पर तो इन्हीं की वजह से हैं। इन्होंने ही अपना पर्सपेक्टिव ऐसा बनाकर रखा होगा कि इनको हर चीज़ डिफ़िकल्ट लगती होगी या फिर हर चीज़ इनको इम्पॉसिबल लगती होगी, क्योंकि इनका बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसा है, ये बाय बुक चलने वाले पर्सन होंगे गाइस, तो इसलिए इनके लिए अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नहीं रखा करते थे, तो इन्हें यूनिवर्स इस तरह से पुश करेगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जीज कि ये आपके लिए कोई स्टैंड ले सकें, खुद के लिए स्टैंड ले सकें, अपनी इस ब्यूटीफुल सी लव फीलिंग को आपके सामने प्रेजेंट कर सकें और एक बैलेंस यहाँ पर लेकर आ सकें। अगर आप ही गिविंग हो हमेशा, तो ये भी आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट कर सकें, एटलीस्ट एक एक्शन इस तरह से रख सकेंगे कि आपको बता सकेंगे कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे। तो यही था गाइस आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए, कि कंक्लूजन यही है कि आपके पर्सन या आप एक ऐसे पाथ की तरफ बढ़ रहे हो जहाँ पर आप आइदर कुछ प्रूफ करोगे, आपके पर्सन अपना प्यार प्रूफ करेंगे और आप अपनी पोजीशन शायद इनकी तरफ प्रूफ कर सकते हो गाइस। ऑलराइट, तो ये शिफ्ट अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।